सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दिस इज टेक वीडियोस। मैं हूं शिवम। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने शॉर्ट्स वीडियो को, कैसे अपने जो यूट्यूब शॉर्ट्स की जो वीडियोस है कैसे हम वायरल करा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हर एक क्रिएटर को पता होनी चाहिए कि जो शॉर्ट्स है वो नया इंट्रोड्यूस किया गया है अपने यूट्यूब पे। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था, तो टिकटॉक के चलते इनसे यूट्यूब वाले ने ये समझ गए कि यहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि टूडेज वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में यहाँ पर सब क्रिएटर ही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में इंट्रोड्यूस किया रील्स पे, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा फॉलोअर मिल जाते हैं अगर आप रील्स बनाते हैं। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने का मौका देती है। भले ही यहाँ पर आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आपको यहाँ पर इनएलिजिबल नहीं है और यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको व्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपना वीडियो वायरल कराने में आता है, अपना इसमें रेशियो अपना कैसा कितना होना चाहिए, फ्रेम साइज कैसा होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और इसका राइट टाइम के अपलोड करने का, वीडियो कैसे राइट टाइम पे अपलोड कर सकते हैं, और कौन सी ट्रिक्स है जो शॉर्ट्स वीडियो को आपका जो ट्रेंड में ला सकती है और वहाँ पर ज़्यादा व्यूज गेन कर सकते हैं। तो सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेशो की। सबसे पहला पॉइंट जो आता है रेशो का, यहाँ पर आपको जो रेशो लेना है वहाँ पर 9:16 लेना है, जो कि फ्रेम रेट है। और यहाँ आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट का टाइम आता है जो ऐप्स में, वीडियो एडिटर ऐप्स में, जैसे कि बात करें काइन मास्टर के, वीडियो शो हो गया और भी वीटा करके ऐप है, वहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हैं तब तो वहाँ पर रहता है रेजोल्यूशन कैसा आपको चाहिए, तो वो आप डाल सकते हैं, पिक कर लेना, वहाँ से आपको रेशो पिक कर लेना है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी दिख जाता है, यहाँ पे 720p 480p और 360p भी दिख जाता है। तो वहाँ से आपको हाईएस्ट जो रेजोल्यूशन है वो पिक करना है, ताकि आपका जो वीडियो का क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पर हम अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, नंबर 3, अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको, अगर एक एज अ क्रिएटर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यही देखेंगे कि क्रिएटर ही देखेंगे कि कैसे अपने वीडियो को वायरल कराना है, तो सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी है, यानी आपको अगर आप वीडियोज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गैप नहीं देना है। अगर आप एक दिन के बाद एक दिन वीडियो अपलोड करते हैं, अगर एक दिन गैप करके, तो आपको डेली ऐसे ही करना है, और ऐसे करेंगे जब तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा और आपके जो YouTube चैनल है उस पर ट्राफिक आएगा, और जिस चैनल के रिलेटेड, यानी जो आपका YouTube चैनल का थीम है उसके रिलेटेड ही आप वहाँ पर वीडियो अपलोड करें, ताकि आपको उसी हिसाब से जो व्यूवर्स है वो मिल सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आगे बात कर लेते हैं कि राइट टाइम क्या है अपलोड करने का वीडियो। अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट्स पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह जितना हो सके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे यहाँ पर अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और शाम के टाइम पर भी आप कर सकते हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट की, तो मेरे पे भी आ चुका है रिजल्ट। और यहाँ पर आप कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हैं, यानी कि आप जब थंबनेल लगाते हैं जैसे कि अपने नॉर्मल वीडियोस पे, तो वैसे भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी लगाइए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ हर एक क्रिएटर को, जब आप अपना वीडियोज अपलोड करते हैं, चाहे कोई भी वीडियो, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे नॉर्मल वीडियोज हो, वहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो ट्रिक क्या है वो जान लेते हैं। तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो वॉचिंग है, मतलब जो देखता है, वो पब्लिक पे रहता है, अनलिस्टेड पे रहता है, और वहाँ पर आपको एनीवन पे दिखता है, तो वहाँ पर आपको अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने के बाद आपको जो टाइटल है वो देके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप YouTube स्टूडियो में जाके वहाँ से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप टाइटल चेंज करिए, थंबनेल ऐड करिए, डिस्क्रिप्शन ऐड करिए, और वहाँ पर टैग जितने हो सकते हैं वहाँ पर आप लगाइए। तो इससे आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और यहाँ से आपको जो यहाँ पर व्यूज़ है वो आप गेन कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से किया है, 7.6K व्यूज़ है मेरे एक YouTube शॉर्ट्स पे, और एक पे 1000+ व्यूज़ है। तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। 1000 सब्सक्राइबर का गोल है यहाँ पर, उसे भी अचीव करना है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।